हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है सेवई उपमा, जिसे वर्मी सेली भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, जिससे कि आपका उपमा एकदम ऐसा खिला खिला बने। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम अलग अलग है। चलिए क्विकली देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्मी सेली उपमा बनाने के लिए वर्मी सेली मैंने लिया है एक बोल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम है। ये रोस्टेड है, हाफ अनियन चॉप, हाफ कैप्सिकम फाइन चॉप, हाफ कैरेट चॉप, थोड़े से कॉर्न लिए मैंने, और ये करी लीव्स, ग्रीन चिली, मस्टर्ड सीड और जीरा। पानी बॉयल हो गया है, ये 500 ml वाटर है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। इसमें इसको अब डाल देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बॉयल होने में। वर्मीसेली बॉयल हो गई है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी फूल भी गई है, और आप इसे ऐसे टच करके भी देख सकते हैं ये गल चुकी है। 3 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पे, पानी ऑलरेडी गर्म था इसलिए ये जल्दी कुक हो गई है। अब इनको हम स्ट्रेन कर लेंगे, सारा पानी छान के वर्मीसेली को अलग से निकाल लेंगे। अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे जिससे सारा पानी निकल जाए। कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम ये ग्रीन चिली, करी पत्ता, स्मॉल मस्टर्ड सीड और जीरा डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, जब तक ये चटकने ना लगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे अनियन को। कैप्सिकम, कैरेट, कॉर्न, एक मिनट तक इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम से हाई पे रखेंगे, बिल्कुल हाई पे नहीं करेंगे। और हाफ टी स्पून सॉल्ट, नमक जरूर आप अपने टेस्ट के अनुसार बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। वर्मीसेली को डाल के मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं इसलिए मैंने हल्दी को स्किप किया है। वर्मीसेली हो गई है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। बस इसे सर्व करने से पहले 5 मिनट तक ढक दें, उसके बाद इसे सर्व करें। पांच मिनट हो गए हैं इसको, अब मैंने खोला है, देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। वर्मीसेली उपमा रेडी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी लगी।